अक्सर प्रीति और नीति, ये दोनों को हम जब देखते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि जहां प्रीति है वहां नीति नहीं हो सकती, और जहां नीति है वहां प्रीति का क्या काम, प्रीति नहीं हो सकती। हम ये समझते हैं कि प्रीति और नीति में विरोध है। प्रभु को किस प्रकार से आदि शक्ति से गुण मिलता है तो वो दयालु बनते हैं। प्रभु राम, उनके पास विभीषण आ रहे हैं, दूर से देखा प्रभु राम ने, सुग्रीव को कहा जाओ पता लगाओ, ये रावण का भाई आ रहा है, देखो तो किस लिए आ रहा है। सुग्रीव मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रभु इतने दयालु हैं। अक्सर प्रीति और नीति, ये दोनों को हम जब देखते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि जहां प्रीति है वहां नीति नहीं हो सकती, और जहां नीति है वहां प्रीति का क्या काम, प्रीति नहीं हो सकती। हम ये समझते हैं कि प्रीति और नीति में विरोध है, लेकिन प्रभु राम वो चाहते हैं कि प्रीति और नीति में जो तुमको विरोध दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में वो विरोध है नहीं यदि उसको परस्पर सही ढंग से उपयोग में ले लिया जाए, वरना तो फिर जो प्रीति वाला है वो नीति का पालन नहीं करेगा और जो नीति वाला है उसके हृदय में प्रीति ही नहीं होगी, यदि आप दोनों को अलग कर देंगे तो। तो प्रभु राम ने कहा कि यदि नीति को प्रीति की जो नीति है उस अनुसार उपयोग किया जाए तो प्रीति और नीति में विरोध नहीं हो सकता। आइए आपको उदाहरण से समझाती हूँ। सुग्रीव जी ने कहा रावण का भाई हमारा भेद लेने आया है, इसको तो मेरे हिसाब से बांध देना चाहिए। अब प्रभु राम ने सुना और प्रभु राम ने कोई नाराजगी प्रकट नहीं की, अपितु सुग्रीव से बोले कि तुम नीति ने कुविचार, अरे तुमने जो नीति बताई है ना कि ये सठ है, रावण का भाई है, दंभी है, पाखंडी है, भेद लेने आया है, इसे बांध के रख लेना चाहिए, तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन राम कहते हैं कि सुग्रीव मुझ में और तुझ में कुछ सोच में मतभेद है, इसीलिए प्रभु राम ने हनुमान जी की ओर देखा और पूछा कि बोलो क्या करूं, विभीषण आया है। अब विभीषण को तो हनुमान जी ने ही बुलाया था तो मुस्कुरा दिए और प्रभु राम को समर्थन मिल गया, और जैसे विभीषण अंदर आए प्रभु राम ने अपनी भुजाएं फैलाई और उनको पास 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 और जोर से बांध लिया अपने हृदय से, और इधर विभीषण लगे हुए हैं हृदय के साथ, उधर प्रभु राम सुग्रीव की ओर देख रहे हैं, और सुग्रीव मन ही मन सोच रहे हैं हाँ एक तीसरा आया वो भी रावण का भाई, उस पर इतना विश्वास कर लिया, और हम घर के अपने, हमारी बात उनको नहीं जची, लेकिन वो राम है। तो सुग्रीव मन में सोच रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा
व्यंग कर रहे हो मेरे साथ? तो प्रभु ने मन ही मन कहा सुग्रीव से, अरे सुग्रीव मैं व्यंग कैसे कर सकता हूं, तू प्रधानमंत्री है। अरे सुग्रीव मैंने तो तेरी आज्ञा का पालन किया है। सुग्रीव कह रहे कैसी आज्ञा? तूने कहा था ना राखी हूं बांध मोह असभावा, यदि तूने कह दिया होता कि इसका वध कर दो तो सुग्रीव मैं संकट में पड़ जाता, लेकिन तूने तो रक्षा कर दी प्रधानमंत्री जी। तूने कहा कि इसको बांध के रख दो, तो देख मैंने बांधा ही तो है, बांधा ही तो है, और क्या किया है? बस इतना ही है कि नीति से नहीं बांधा, प्रीति से बांधा है। बस राम प्रीति के साथ नीति को जोड़ देते हैं, क्योंकि अपना बालक है राम, के लिए सब अपने हैं, जीवात्मा भेद नहीं कर सकते। यदि सामने वाला भेद कर रहा है तो भी अपना के अपना ही धाम देते हैं, लेकिन स्वयं किसी के साथ भेद कैसे करेंगे? मां है, यानी किशोरी जू से जो गुण मिला है वो गुण कार्य करता है ये सबको अपनाना, तो राम क्या करे, विवश है। जैसे माँ अपने बेटे को साम दाम दंड भेद चार प्रकार से सिखाती समझाती है, पहले तत्व ज्ञान से समझाती है, मॉरल एथिक्स बताकर सदगुण बताकर, वो साम है, नहीं सुनता बच्चा, टॉफी दिखाकर लोभ दिखाकर, वो दाम है, फिर भी नहीं सुनता बच्चा तो लठिया झापड़, वो दंड है, और अन्य जो दुर्गुण दुराचारी है उनसे अलग कर देना है, उससे नहीं मिलना है, वो गलत है, वो गंदा है, भेद। लेकिन माँ वास्तव में क्या चाहती है वो प्रमुख बात है, वो माँ है, वो बच्चे का अहित चाह ही नहीं सकती, वो परम हितैषिणी है, लेकिन वो प्रीति और नीति दोनों को जोड़ रही है। प्रीति है बच्चे के प्रति, अकारण प्रीति है, एक माँ ऐसी होती है जिसकी संतान के साथ निस्वार्थ प्रीति होती है, तो प्रीति तो है, लेकिन उसके साथ नीति है, तुम्हारे लिए क्या हितकारी है वही हम करेंगे। तो यही बात प्रभु राम कह रहे हैं कि नीति के साथ प्रीति, परमार्थ के साथ स्वार्थ। स्वार्थ क्या? यत करोषि यदश्नासि, सा विद्या तन्मतिर्यया। स्वार्थ क्या है? मुझ में वही ज्ञान हो जो उनसे मिला दे, मैं जो करूं हरितोषम यत, जिससे हरि संतुष्ट हो जाए, ये मेरा कर्म, यही परम स्वार्थ है। जहां अपने लिए होता है वहां फिर परमार्थ के साथ हम उस स्वार्थ को जोड़ नहीं पाते, लेकिन यदि स्वार्थ वास्तव में आत्मा संबंधित हो, स्वार्थ की परिभाषा को परिभाषित करता हो, तो दोनों मिल सकते हैं, ये प्रभु राम कह रहे हैं। तो देखिए प्रभु राम की दया, और ये दया कहां से आई? किशोरी जू से, कि वो न्यायी राम आज विभीषण को प्रेम के बंधन में बांध रहे हैं और कह रहे मैंने बांध लिया। तो मैं ये प्रसंग आपको बताना चाहती थी कि ये सारे गुण किशोरी जू ने दिए, जिससे राम भी ऐसे उदार हो जाते हैं, कृष्ण भी न्यायी होकर प्रेमी हो जाते हैं, दयालु कृपालु हो जाते हैं। तो ये हमारी किशोरी जी का गुण है।